आदित्य माधोबाजी, ZPTV पांडव, कैमरामैन हमारे सुनगे, प्रधान अध्यापक आदि उपस्थित हुए। जिला परिषद माध्यमिक पाठशाला पांडव जो चंद्रपुर जिले के नहीं तो पूरे महाराष्ट्र की 365 दिन चलने वाली पाठशाला। यह पाठशाला ज्योति तहसील में तेलंगाना और महाराष्ट्र की सीमा पर बैठी हुई पाठशाला है। अभी शासन ने कुछ तालुकों को आकांक्षित घोषित किया है, उनमें से एक है हमारा ज्योति तहसील। तो इस ज्योति तहसील में स्थित एक छोटी सी स्कूल में जिसका नाम है जिला परिषद माध्यमिक पाठशाला पांडू, जहाँ पर आज कुछ अतिथि मिलने के लिए आए, तो आज हम उनसे रूबरू होने वाले हैं। तो सर, सबसे पहले आपका परिचय। सर, आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है? मैं एम ए बी एड पढ़ा हूँ और करीब 30 साल हो गए मैं साइकिल स्कूल में सहायक शिक्षक के रूप में कार्य। सर, आपका प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षण कहाँ पर हुआ है? प्राथमिक शिक्षण जिला परिषद स्कूल गढ़चांदी और माध्यमिक 5वीं से 12वीं तक महात्मा विद्यालय गढ़चांदी और ग्रेजुएशन शिवाजी कॉलेज राजूरा और एम ए सर सरदार पटेल कॉलेज चंद्रपुर और बी एड नागपुर में किया। सर, आपको बचपन से क्या बनने की आशा थी? मुझे बचपन से ही मैं शिक्षक बन गया, ये मेरा एम था। तो सर, आप शिक्षक बने तो इसके पीछे आपको किन्होंने मदद की और कैसे मदद की? मैं शिक्षक बनने के लिए खास तौर पर मेरे माता पिता ने और मेरे गुरुजनों ने मुझे मदद की है और मेरे रिश्तेदारों ने भी मदद की। तो आप बता सकते हैं उन्होंने किस तरह की मदद की आपके लिए? जैसे कि मैं घर की परिस्थिति कुछ अच्छी नहीं थी तो रिश्तेदारों ने और कुछ मेरे दूसरे लोगों ने और नजदीक के लोगों ने मुझे पैसे देकर मदद की, इसलिए मैं यहाँ तक पढ़ा हूँ। तो सर, आपको शिक्षक बनने कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और जिंदगी में इसके सिवा जो कि एक शिक्षक ही अच्छा विद्यार्थी या देश का भविष्य बना सकता है, ये मेरा मानना है। तो सर, सोच लो कि आपको इस पाठशाला में शिक्षक की जगह मिले तो आपको कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन मैं मजबूर हूँ क्योंकि मैं अभी दूसरे स्कूल में टीचर हूँ। हो सके तो मैं रिटायरमेंट के बाद यहाँ और आने की मैं कोशिश करूँगा। सर, आप बता सकते हो कि आप शिक्षक हो तो आपका अनुभव बताएं? वैसे मेरे ख्याल से अभी तक मैंने 1990 से कार्य की, कई बच्चे मैंने पढ़ा, मेरे से पढ़कर गए और बच्चों का भविष्य शिक्षकों के हाथ में है, यह मेरा मानना है। अच्छा शिक्षक मिलेगा तो बच्चे भी अच्छे हो जाएंगे, अच्छे पढ़ेंगे और केवल शिक्षा का ही नहीं तो बच्चों में तरह तरह की क्वालिटी होती है, उनके जो सुप्त गुण होते हैं उनमें, उन गुणों का विकास करना ही शिक्षकों का मुख्य उद्देश्य होता है और यह सभी शिक्षकों ने करना चाहिए, मेरा मानना है। तो सर, आप बता सकते हो कि आपको इस पाठशाला में आकर कैसा लगा? बहुत ही अच्छा है, हम भी यहाँ से कुछ लेकर जाने के लिए यहाँ पर आए हैं और आप सभी बच्चे यहाँ के शिक्षकगण या सभी हमें हमने देखा है और यहाँ का सब वातावरण देख कर बहुत हम खुश हो गए। सर, मुझे आपसे बात करकर बहुत अच्छा लगा। सर, आपके लिए आखिरी सवाल पूछता हूँ मैं, तो क्या आप बता सकते हैं कि ये जो ZPTV है तो इसके माध्यम से आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यह संदेश देना चाहता हूँ कि जिस तरह की पार्डो की स्कूल है या कि विद्यार्थी या कि जो अध्यापक है, उसी तरह सभी अध्यापकों ने स्कूल के जो टीचर लोगों ने कार्य किया तो हमारे भारत देश की उन्नति होगी। मैं संवाददाता आदित्य माधोबाजी, कैमरामैन हमारे स्कूल के प्रधान अध्यापक आरूप पर थी।